सवाल आया कि जो होना चाहिए, पिछले 75 साल से यहाँ सांसद भी हुए, विधायक भी हुए, हर पार्टी के हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो ये हुआ क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं हुआ, सामान्यतया पॉलिटिकल लोग केवल दो चीज़ों के लिए काम करते हैं, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। जरा जोर से बोलिए, या तो वोट के लिए या तो, जोर से बोलिए एक बार। राजनीतिक पार्टियां और राजनेता किसके लिए काम करते हैं? सामान्यतया या तो वोट के लिए या तो। यहां भी बहुत सारे नेता बैठे हैं, बुरा ना माने, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, सामान्य कह रहा हूं, 90% कह रहा हूं, 10% उसमें एक्सेप्शन है, सामान्य कह रहा हूं। दुनिया के कई देशों में मुकदमा कंप्लेन देने के बाद 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसको कहते हैं पुलिस चार्टर। दुनिया के कई देशों में पुलिस चार्टर लागू है। दुनिया के कई देशों में FIR दर्ज होने के 1 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां उन्होंने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया हुआ है। उदाहरण लेते हैं कृष्णानंद राय जी की हत्या, देश की सबसे बड़ी एजेंसी CBI ने जांच किया, इसके बाद सारे लोग बरी हो गए ना, मुकदमा पहले यहां चला, यहां से दिल्ली गया, बरी हो गए। कृष्णानंद जी के परिवार के लोगों को पता है कि किसने मारा? आप कृष्णानंद के परिवार के लोगों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लीजिए, और जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लीजिए, 48 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा किसने मारा। जो काम 18 साल में नहीं हुआ वो मात्र दो दिन में हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, आजकल आपके थोड़ी दूर प्रयाग में चल रहा है, कोई कह रहा है अतीक अहमद दोषी है, कोई कह रहा है निर्दोष है। मैं कह रहा हूं अतीक अहमद के परिवार में 10 लोग हैं, 3 लोग खत्म हुए, अभी 7 लोग बचे हुए हैं, उन 7ों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लीजिए, उनसे सवालों की लिस्ट बना लीजिए और उसमें पूछ लीजिए कि किस किस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने फायदा पहुंचाया, किस किस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने चंदा दिया, कौन कौन से उन्होंने मर्डर किया था, कब कितने लोगों का उन्होंने जमीन कब्जा किया था, किसने लोगों का क्या किया था। 2-3 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद को पुलिस ने मरवाया या शासन ने मरवाया, तो ठीक है भाई, वो जो 3 पकड़े गए हैं उन 3ों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लीजिए और पता चल जाएगा 48 घंटे के अंदर कि उन्होंने क्यों मारा अतीक अहमद को। नहीं तो अतीक अहमद को उन 3 लड़कों ने क्यों मारा, ये जांच करने के लिए आपको 10 साल लगेगा। हो सकता बाद में जैसे कृष्णानंद जी की हत्यारे बरी हो गए, वो भी बरी हो जाए सबूत के अभाव में। आपने कभी ध्यान दिया, हमारे देश में समस्या की चर्चा होती है, समाधान की नहीं। ओसामा बिन लादेन के मारने से आतंकवाद खत्म हुआ क्या? जोर से बोलिए। माना कि भोजन नहीं किया आप लोगों ने, लेकिन आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए, और यहां आएगी तभी तो 2 करोड़ लोग जानेंगे कि आप लोग कितने जोश में हैं। 4 घंटे के बाद भी आपके अंदर जोश है। ओसामा बिन लादेन के मारने के बाद आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं। बगदादी के मारने के बाद आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं। जवाहिरी के मारने के बाद आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं। तो वैसे ही अतीक अहमद के मारने के बाद आतंकवाद खत्म नहीं होगा, माफिया राज खत्म नहीं होगा। वो एक सिंबल है, याकूब मेनन मार दिया, फांसी हो गई, आतंकवाद खत्म हुआ? अफजल गुरु को फांसी हुई, आतंकवाद खत्म हुआ? अरे भैया, व्यक्ति को मारने से, व्यक्ति को फांसी देने से अपराध खत्म नहीं होता, उसके लिए आपको परशुराम जी जैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो व्यवस्था क्या? पहले के जमाने में भारत का न्यायिक सिस्टम बड़ा अच्छा था, बड़ा फास्ट था, बड़ा स्पीडी था। कैसे था? 2 लोगों का विवाद हुआ, एक तांबे के लोटे में गंगा जल रखा, तुलसी रखा, सोना रखा,
एक उसके ऊपर भगवत गीता रखी और उससे बोला भाई ये तुम उठाओ, कलश उठा के बोलो कि तुमने ये अपराध किया है कि नहीं किया। नैतिकता इतनी ज़्यादा थी कि आदमी जैसे ही हाथ में तुलसी सोना ले लेता था, भगवत गीता ले लेता था, वो सारा सच सच बोलता था, झूठ बोलता ही नहीं था। इसलिए पांच लोग मिलके फैसला कर देते थे, बोले भाई तुमने जमीन कब्जा किया, बोले नहीं कब्जा किया, बोले ठीक है उठाओ तुलसी सोना उठाओ। वो तुलसी सोना के डर के मारे सच सच बोल देता था, बोले पैसा चोरी किया, बोले नहीं किया, बोले तुलसी सोना उठाओ। नैतिकता इतनी ज्यादा थी, तुलसी सोना वो कहता नहीं, हाँ जी हमने चोरी किया, ये पैसा पकड़ो। अब जब नैतिकता खत्म हो गई तो हमें उसी तांबे के पात्र, तुलसी सोना और भगवत गीता का सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा सच उगलवाने के लिए। और उसका सब्स्टिट्यूट है उस भगवत गीता, तुलसी सोना और गंगा जल का, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट। थोड़ा देर है, वो वाला तो 10 सेकंड के अंदर बता देता था कि सही है क्या गलत है, इसमें 2 दिन लगेगा। लेकिन कम से कम सबूत के आधार पर लोग छूटेंगे तो नहीं। दूसरा, हमारे जो पूर्व हमारा पहले का न्यायिक सिस्टम था उसमें दंड की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। आपने झूठ, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया और ये पता चला कि नहीं नहीं इसकी वजह से आपकी बहुत इंसल्ट हो गई, आपकी मानहानि हो गई, उसके ऊपर एक दंड का विधान था। आज भी वो विधान है, हमारे जो वकील मित्र हैं जानते हैं। लेकिन वो विधान इतना कमज़ोर हो चुका है, न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है कि उसको लोग अडॉप्ट नहीं करते। भारत में टाटा बिरला से ज़्यादा कोई अमीर है क्या? जोर जोर बोलिए। ऐसे ऐरू गैरू नत्था खैरू टाटा बिरला को चोर बोलते हैं, कभी टाटा बिरला मुकदमा किए? आज की रेट में अदानी अंबानी बड़े पावरफुल हैं, बड़े मजबूत हैं, पैसे वाले हैं, 1,000-2,000 करोड़ रुपए अपनी इज्जत के लिए खर्च कर सकते हैं। ऐरू गैरू नत्थू खैरू अदानी अंबानी को चोर बोलते हैं, वो मुकदमा करने गए क्या? जानते क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारे यहाँ झूठ बोलने पे कोई सजा का कोई कानून ही नहीं। कोई कह रहा है अंबानी ने चोरी किया, लेकिन अगर वो जाएंगे और 20-30 साल मुकदमा लड़ेंगे तो कोर्ट केवल ये कह देगी कि नहीं नहीं अंबानी ने चोरी नहीं किया, तो चोरी तो उन्होंने किया ही नहीं था। तो 30-40 साल लड़ने के बाद मिला क्या? कुछ नहीं मिला। आपके घर पे, आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर ले, आपकी आबादी पे कोई कब्जा कर ले, आप 40 साल मुकदमा लड़ने के बाद आपको अपनी जमीन मिल गई, लेकिन जिसने जमीन पे कब्जा किया था उसको कोई दंड नहीं मिला, उसके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं हुई, तो आपको मिला क्या? आपको तो कुछ नहीं मिला। आपकी जमीन थी, 40 साल लड़े, गाजीपुर से शुरू करके इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए और आपको अपनी जमीन मिल गई, तो आपके साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? मैं बार बार कहता हूं, जब तक इस देश में पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जुडिशल रिफॉर्म नहीं होगा और इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक ना अराजकता कम होगी, ना अपराध कम होगा, न माफिया राज कम होगा, न आतंकवाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न जातिवाद कम होगा, न भाषावाद कम, कुछ भी कम नहीं होगा। और आज चूंकि जाति का जहर लगातार घोला जा रहा है, लगातार कोशिश हो रही है जातियों के आधार पे बांटने पे, ये जाति की शुरुआत कब हुई भैया? कितने साल पहले हुई जरा बोलिए। जरा 2000 साल पहले मुझे कोई एक जाति बताइए, उपाध्याय, शुक्ला, यादव, पांडे, राय या पटेल, सरोज, हरिजन, पासी, जो भी है, 2000 साल पहले मुझे कोई एक जाति बताइए। और मैं ये, हो सकता मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन चूंकि ये वीडियो जाना है तो मैं ये वीडियो चाहूंगा ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो बड़े एक्सपर्ट हैं इसके, और वो बताएं पब्लिकली
कि 2000 साल पहले भारत में कौन सी जाति थी, कोई एक जाति बताएं। इस समय 5000 जातियां चल रही हैं। कितनी? और इसका मतलब सनातन धर्म को 5000 टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है आज की डेट में, जो ओट जीवी और नोट जीवी लोग कर रहे हैं। भाई उनको ओट चाहिए, उनको नोट चाहिए, ओट से नोट मिलता है, नोट से ओट मिलता है, तो सुबह से लेकर शाम तक उनकी तो दौड़ ओट और नोट है, ओट और नोट है, वो बांटेंगे। इसका समाधान क्या निकाला जाए? टोटल हमारे 108 गोत्र हैं। कितने गोत्र हैं? उसमें से 50 प्रमुख गोत्र हैं। और गोत्र में ध्यान रखिए, गोत्र किसी कास्ट का नहीं होता। मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, उपाध्याय हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज है। और मैंने वेरीफाई किया, अयोध्या के क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज है, कानपुर के आसपास पटेलों का गोत्र भारद्वाज है, और मुजफ्फरनगर के आसपास जो दलित परिवार के लोग हैं उनका भी गोत्र भारद्वाज है। कश्यप गोत्र मैंने वेरीफाई किया, हरियाणा में कश्यप जो पिछड़े मौर्या होते हैं, जो हमारे यहां मौर्या कहलाते हैं, वहां सैनी लिखते हैं, उनका गोत्र कश्यप है। तो गोत्र जो होता है ये चारों वर्णों का होता है। अगर कोई इस पे किसको लगता हो कि नहीं ब्राह्मण का गोत्र अलग होता है, क्षत्रिय का गोत्र अलग होता है, वैश्य का गोत्र अलग होता है और हमारे दलित भाइयों का गोत्र अलग होता है, तो मैं उनसे आज आपके इस पवित्र भूमि से खुला शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं कि वो मुझे ये बताएं कि नहीं ये वाला गोत्र केवल ब्राह्मण का होता है। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर उनको बता सकता हूं कि कौन कौन सा गोत्र किस तरीके से चारों वर्णों में चल रहा है। अच्छा बताइए, लाइट चली गई, ये इको के कारण पीछे तक आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? भैया पहुंच रही, साफ आवाज आ रही है। अब तक मैंने जिन गोत्रों पे शोध किया मैं नाम बता देता हूं। कौशिक गोत्र चारों वर्णों में होता है, सिंघल गोत्र, हालांकि सिंघल हम सोचते हैं बनिया लिखते हैं लेकिन सिंघल एक गोत्र है, सिंघल गोत्र चारों वर्णों में है, अत्रि गोत्र चारों वर्णों में है, भारद्वाज गोत्र चारों वर्णों में है, भृगु गोत्र चारों वर्णों में है, गौतम चारों वर्णों का है, कश्यप में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका है, वशिष्ठ गोत्र भी सबका है, विश्वामित्र गोत्र भी सबका है, अगस्त वत्स्य मंड्य मृदुल वात्सायन सांकृत्य गर्ग भार्गव सांडिल विश्वामित्र सुनक मनु जैमिनी उपमन्यु और सांख्य और विष्णु, इतने गोत्रों पे मैं शोध कर चुका हूं और ये सारे गोत्र मुझे चारों वर्णों में मिले। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। एक हमारे ऋषि थे, उनका नाम ही था ऋषि सुनक। एक ऋषि थे सुनक, तो उन्होंने, उनके पिताजी को अच्छा लगा होगा, उन्होंने सुनक, उनका सुनक गोत्र है एक्चुअली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनका गोत्र सुनक है, उनके परिवार के लोग हमेशा सुनक लगाते थे, पिताजी को अच्छा लगा तो उन्होंने बोला सुनक गोत्र है, सुनक ऋषि भी है, तो काम करो इसका नाम ही रख देते ऋषि सुनक। वो ऋषि सुनक है। हम यहां समाधान पे चर्चा करने आए। इस जातिवाद को अगर खत्म करना है तो दो ही तरीका है, या तो हम अपनी जातियों के सामने हटा के राम कुमार रामचंद्र राम शंकर राम ऐसे लिखना शुरू कर दे, अदरवाइज अपने आने वाली पीढ़ियों का हम लोग नहीं बदल सकते हैं। हमारा हर जगह कागज में नाम आ चुका है, नौकरी चल रही है, फिर पेपर में निकलवाना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो अभी 10 साल तक हैं या जो अभी 10वीं तक नहीं पहुंचे हैं, 9वीं तक हैं, तो 9वीं तक तो नाम आराम से बदल जाता है ना। अगर हम चाहते हैं कि ये सनातन संस्कृति जुड़े, सनातन धर्म जुड़े, उत्तर से दक्षिण जुड़े, पूरब से पश्चिम जुड़े, उसको जोड़ने का एक ही तरीका है, हम जातियों के स्थान पे अपना गोत्र लगाना शुरू करें। भारद्वाज गोत्र पूरब से पश्चिम तक है, उत्तर से दक्षिण तक है,
केरल में भी भारद्वाज गोत्र के लोग हैं और कश्मीर में भी। अगर एक बार हम लोग चाहते हैं कि जो हमें 5000 टुकड़े हो रखे हैं, इस 5000 को हम जोड़ना चाहते हैं जातियों के आधार पे, तो हमें, मुझे लगता है, अब गोत्र की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और याद रखिए, 2000 साल पहले जब भारत में जातियां नहीं थी तो केवल और केवल गोत्र ही लोग लगाते थे, या तो कुछ नहीं लगाते थे सरनेम, नहीं तो गोत्र लगाते थे। यह व्यवस्था बाद में आई, जो पांडे, शुक्ला, पटेल, यादव, बिंद, ये सब जो शुरू हो गया, ये पिछले 2000 साल या 2500 साल के आसपास का, अदरवाइज कर्ण कामों के आधार पे अपने बटे हुए थे। और हमारे पास अनगिनत एग्जाम्पल हैं जिसमें वैश्य परिवार में बच्चा पैदा हुआ, उसमें एक भाई ब्राह्मण कहलाया, एक भाई क्षत्रिय कहलाया। हमारे पास अनगिनत एग्जाम्पल है जहाँ ब्राह्मण परिवार में बच्चा पैदा हुआ, बाद में वो क्षत्रिय कहलाया। हमारे पास अनगिनत एग्जाम्पल है जहाँ पे लगातार बच्चा किसी और परिवार में पैदा हुआ और बड़े होके कुछ और कहलाया, उसके वर्ण लगातार काम के आधार पर बढ़ते गए। तो मेरा ये मानना कि अगर इसको हम ठीक करना चाह रहे हैं तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं अगर बढ़ेंगे तो ओट जीवी और नोट जीवी, ध्यान रखिए, ओट जीवी और ये हमें जुड़ने नहीं देंगे, तोड़ के रखेंगे। ये लगातार तोड़ रहे हैं और तोड़ने का एक ही कारण है, क्योंकि बाकी सब चीजें, ये समाजवाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद, लोहियावाद, ये जितने वाद हैं, इनफैक्ट ये सब जुमले हैं, ये सब क्या है, असली लक्ष्य है वोट और, असली लक्ष्य क्या है, वोट और। आज यहां सारे परशुराम जी के भक्त इकट्ठा हुए हैं, भगवान परशुराम जी को वापस हम जब पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए शुरुआत हमें ही करना पड़ेगा। पहले हमें अपने घर में इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी कि इसकी व्यवस्था क्या किया जाए। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, मुगलों के टाइम में धर्मांतरण हुआ था कि नहीं, अंग्रेजों के टाइम में हुआ था कि नहीं, आज 2023 में आपके गाजीपुर चंदौली में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं, जोर से बोलिए। इसका मतलब डॉक्टर तो बदले लेकिन दवा नहीं बदली। 1950 में भी धर्मांतरण हुआ, 55 में भी हुआ, 60 में भी हुआ, 70 के दशक में हुआ, 80 के दशक में हुआ, 90 के दशक में हुआ, 2000 में हुआ, 20 में हुआ, और 2023 में भी धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और केवल आपके यहां नहीं हो रहा, पूरे भारत में हो रहा है। और धर्मांतरण कैसे हो रहा है, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, लालच दे के, धोखा दे के, कहीं कई बार कलावा पहन के, कई बार नाम छिपा के, कई बार पहचान छिपा के, कई बार अपने डॉक्यूमेंट बदल के, और कई बार तो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने के नाम पर। पूरी दुनिया में धर्मांतरण के खिलाफ बड़े कठोर कानून बने हुए, ये कोरिया में धर्मांतरण क्यों नहीं होता, ये सिंगापुर में धर्मांतरण क्यों नहीं होता, जापान में धर्मांतरण क्यों नहीं होता, जर्मनी में धर्मांतरण क्यों नहीं होता, भारत में क्यों होता है? अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब या तो डॉक्टर गड़बड़ है, या तो, जोर से बोलिए, या तो डॉक्टर गड़बड़ है, या तो। अगर मुगलों के टाइम में भी धर्मांतरण हुआ, अंग्रेजों के टाइम में भी धर्मांतरण हुआ, कांग्रेस के राज में भी धर्मांतरण हुआ, बीजेपी के राज में भी धर्मांतरण हो रहा है, तो डॉक्टर तो बदल रहे लगातार, लेकिन क्या नहीं बदल रही है, दवा। और ध्यान रखिए, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, यह हम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, डॉक्टर आपके शरीर में नहीं जाता, शरीर में क्या जाती है, दवा। तो पिछले 75 साल से हम डॉक्टर तो बदल रहे लेकिन दवा नहीं बदली, और डॉक्टर बदले दवा नहीं बदली, इसीलिए
ना घूसखोरी कम हुई, ना जमाखोरी कम हुई, ना मिलावटखोरी कम हुई, ना कालाबाजारी कम हुई, ना नशा तस्करी कम हुई, ना मानव तस्करी कम हुई, ना सोना तस्करी कम हुई, ना चंदन तस्करी कम हुई, ना जातिवाद खत्म हुआ, ना भाषावाद खत्म हुआ, ना क्षेत्रवाद खत्म हुआ, ना अलगाववाद खत्म हुआ, ना माओवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवाद खत्म हुआ, ना कट्टरवाद खत्म हुआ, ना रोहिंग्या घुसपैठ खत्म हुई, ना बांग्लादेशी घुसपैठ खत्म हुई, ना धर्मांतरण खत्म हुआ, ना जिहाद खत्म हुआ, ना मजहबी उन्माद खत्म हुआ, ना अवैध निर्माण रुका।